हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही हूँ शिकंजी मसाला की रेसिपी। शिकंजी गर्मियों में हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है, हमारी बॉडी को हाइड्रेट रखती है। तो आज मैं आपके साथ में शिकंजी मसाला की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे आप बनाकर महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और जिसे बनाने के बाद में आपकी जो शिकंजी है एक मिनट के अंदर तैयार हो जाएगी। तो देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक पैन ले लिया है और मैंने पैन में ऐड किया है 2 चम्मच जीरा। तो जीरे को हमें ड्राई रोस्ट कर लेना है एक अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक, और एक अच्छी सी खुशबू आने तक हम इसे भून लेंगे। तो लगभग 4 से 5 मिनट में हमारा जो जीरा है ड्राई रोस्ट हो चुका है अच्छे से, एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू इसमें से आ रही है। तो इसी के साथ में मैंने यहाँ पर 2 चम्मच कच्चा जीरा भी लिया है। जितना हमने जीरे को भुना है उतना ही हमने कच्चा जीरा लिया है। तो भुने हुए जीरे को मैं एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेती हूँ और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो 2 चम्मच कच्चा जीरा है उसे। दोनों का ही फ्लेवर इस शिकंजी मसाले में अपना अलग अलग होता है और दोनों के फ़ायदे भी अलग अलग होते हैं। इसके साथ ही मैं यहाँ पर 1 चम्मच काली मिर्च इसमें ऐड कर रही हूँ और 4 छोटी हरी इलायची, 1 चम्मच मैं इसमें ड्राई पुदीना का पाउडर ऐड कर रही हूँ। पुदीना भी हमारी बॉडी को काफ़ी ठंडक प्रदान करता है। 2 चम्मच इसमें मैंने काला नमक ऐड किया है और 1 चम्मच मैंने इसमें सेंधा नमक ऐड किया है। आप चाहें तो जो सादा वाला नमक होता है वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसको मिठास देने के लिए मैंने 1/2 कटोरी मिश्री ली है, मिश्री के दाने, और 1/2 कटोरी ही मैंने इसमें चीनी ऐड की है। तो आप चाहें तो 1 कटोरी पूरी मिश्री ले सकते हैं या पूरी 1 कटोरी आप चीनी ले सकते हैं। और 1 चम्मच मैंने इसमें ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ का पाउडर ऐड किया है। और अब हमें लेना है एक मिक्सी का जार और सारी जो चीज़ें हैं उनको मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र करके हमें इसका एक फाइन पाउडर बना लेना है। तो हमारा एकदम शिकंजी मसाले का जो फाइन पाउडर है तैयार है। अगर इसमें कुछ मोटा मोटा सा रह जाता है तो आप उसे छान भी सकते हैं। तो आप इसे महीने भर तक या महीनों स्टोर करके एक एयर टाइट डब्बे में स्टोर करके रख सकते हैं और बस हमें पानी में शिकंजी मसाला का जो पाउडर है उसे डाल लेना है। तो मैं यहाँ पर 1.5 स्पून मैंने मसाला लिया है और इसमें मैं अब 1 नींबू का रस ऐड कर रही हूँ और इसी के साथ मैं इसमें एकदम ठंडा ठंडा पानी ऐड करेंगे। और इसी के साथ में मैंने यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और अब इसमें मैं क्रश की हुई आइस ऐड कर देती हूँ। तो आप यहाँ पर इसमें आइस क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं पर मैंने यहाँ पर क्रश की हुई आइस की ऐड की है। तो हमारी ठंडी ठंडी शिकंजी एकदम तैयार है। तो आप इसे इजीली कोई भी बना सकता है, बच्चे भी इसे बनाकर 1 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो शिकंजी मसाला की अगर रेसिपी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा एंड थैंक्स फॉर